हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे हम लोग। इसमें से सेट टू का क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है किए थे। आज आगे बढ़ना है लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 15। रिएक्शन कंप्लीट करने हैं। ऑर्गेनिक के लिए तो बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। इसमें से एक रिएक्शन है इथीन का हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, इन तीनों के प्रेजेंस में। बड़ा ही आसान सा रिएक्शन होता है। देखो, यह हाइड्रोजन का जुड़ना जो है हाइड्रोजिनेशन कहलाता है, और हाइड्रोजिनेशन जब भी होता है तो या तो अल्कीन का हो सकता है, अल्काइन का हो सकता है, मतलब कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम का जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। और हाइड्रोजिनेशन के दरमियान जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में एटम है, हाइड्रोजन के एटम, वे मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन से जाकर के जुड़ते हैं। तो देखो, मल्टीपल बॉन्ड के दो कार्बन, हाइड्रोजन भी दो, तो सिंपली जो है दो हाइड्रोजन एक एक करके जुड़ जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, मतलब ये ऐसा CH3 CH2 था, एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा CH3, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और फिर CH2 में एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो CH3। बस इथेन का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजिनेशन है। अब यहाँ इथिन दिया, हो सकता है कि एग्जाम में ब्यूटीन का दे दे, प्रोपीन का दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो बस हाइड्रोजन के साथ ये कैटलिस्ट आप देखोगे, समझ जाना हाइड्रोजिनेशन है, मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन है उसमें हाइड्रोजन को एक एक करके जोड़ना है। बस इतना सा बात को याद रखोगे। नेक्स्ट बी नंबर में CH3Br सोडियम मेटल, फिर BrCH3 और यहाँ ड्राई इथर, ऐसा। तो देखो, ब्रोमोमीथेन, अगेन ब्रोमोमीथेन, मतलब ये दोनों अल्काइल हैलाइड सेम ही हो गए, सोडियम मेटल। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से हो ड्राई इथर में, मतलब यह रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन है, और ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, हाइयर अल्केन बनता है। बस इतना यहाँ से बाहर हो जाना है, तो बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3 + 2NaBr, ऐसा। मैंने कोई भी ऐसे करके कंप्लीट करने आए इसमें, तो बस ध्यान में यही रखोगे कि यदि दोनों तरफ का सेम ग्रुप है, मैंने इधर मिथाइल था तो इधर मिथाइल, मैंने ब्रोमोमीथेन यहाँ है तो ब्रोमोमीथेन वहाँ भी है, तो इस केस में बस ऐसे ही NaBr को बाहर करके दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ करके अल्केन बना देंगे। लेकिन जब यह अलग अलग होता, यदि इधर ऐसा होता और इस तरफ होता ऐसा CH2 CH3, मैंने इधर ब्रोमोमीथेन है तो इधर ब्रोमोइथेन है, और अब इसका रिएक्शन हो, वही ऊर्ज रिएक्शन। तो अब जब ऊर्ज रिएक्शन होगा तो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज़रा ध्यान से समझना। एक्चुअली है क्या कि रिएक्शन में अभी लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका। अब प्रैक्टिकली रिएक्शन को सोचो तो एकक मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल तो है नहीं, और स्टैंडर्ड तौर पे हम लोग एक मोल कंसिडर करेंगे तो एक मोल का मतलब हो जाना है इतने मॉलिक्यूल्स, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे ब्रोमोमीथेन के और इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे ब्रोमोइथेन के, ऐसे करके बहुत सारे। एक तो रिएक्शन होगा जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। भाई ये दोनों एक दूसरे से ही कंबाइन क्यों करेंगे, आपस में भी तो कंबाइन कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी आपस में तो कंबाइन कर सकता है, मतलब हो सकता है या ब्रोमोमीथेन का ब्रोमोइथेन के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, बल्कि इसी का दो मॉलिक्यूल मिल करके सोडियम से कंबाइन कर जाए और इथेन बन जाए, पॉसिबिलिटी है यार। उसी प्रकार से हो सकता है कि इसका दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, सेल्फ कपलिंग CH3 CH2 CH2 CH3, और फिर एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, तो यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से दो कार्बन, टोटल तीन। तो ऐसे तीन प्रोडक्ट बनेंगे जब भी यहाँ अलग अलग अल्काइल हैलाइड हो, तो ऊर्ज रिएक्शन में याद रखोगे हमेशा तीन प्रोडक्ट। ये जो सेम मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं ये सेल्फ कपलिंग वाले प्रोडक्ट हुए, सेल्फ कपलिंग बोलते हैं इसको, और एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो एक क्रॉस कपलिंग होते हैं, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, ऐसा।
तो बस इस बात को जरूर ध्यान में रखोगे कि जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है वह सेम है या अलग अलग है। सेम है तब तो कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड है उसी का डबल करके प्रोडक्ट को लिख दोगे। लेकिन जब ऐसे अलग अलग होंगे भाई तो तीन प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, दो प्रोडक्ट सेल्फ कपलिंग का बनेगा और एक प्रोडक्ट क्रॉस कपलिंग का। कपलिंग मतलब जुड़ जाना बस। तो एक बार यही दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गया, इसी का दो मॉलिक्यूल जुड़ गया तो वह सेल्फ कपलिंग, अपने ही से जुड़ रहा है, एक दूसरे से जाके जुड़ेगा तो क्रॉस कपलिंग। नेक्स्ट इसमें है सी नंबर CH3CH या CH2 है, डबल बॉन्ड CH फिर CH3 प्लस HCl ऐसा। देखो यह है अल्कीन मतलब प्रोपीन, यह HCl है, HCl है मतलब इसको यहाँ हम लोग हैलोजन एसिड समझेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं समझेंगे। और यदि यह हैलोजन एसिड है मतलब इसमें H प्लस Cl माइनस या आयनिक नेचर का हो गया। तो जब भी ऐसे किसी अल्कीन या अल्काइन में आप आयनिक स्पीसीज को ऐड करोगे और वो भी तब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन के अगल बगल डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो भाई हमेशा यहाँ ऑपरेट होता है मार्कोवनी कॉप्स रूल। और यह मार्कोवनी कॉप्स रूल क्या बोलता है कि जब आप ऐसे कोई हैलोजन एसिड या कोई भी आयनिक स्पीसीज को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जोड़ोगे तो इसका जो पॉजिटिव H प्लस पार्ट है वह जाकर के डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मतलब डबल बॉन्ड का ही दो कार्बन है, यहां दो हाइड्रोजन यहां एक है, तो यह हाइड्रोजन जाकर के इसी पे जुड़ेगा यहां, और जहां कम है वहां नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। जो मैकेनिज्म से पता होता है क्यों ऐसा है नहीं है, मैकेनिज्म से जो एक्सप्लेन चैप्टर में किया गया है। तो बस इसमें इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ देना है CH3CH बीच में Cl और यहाँ CH3। यह भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है कि दूसरा चीज़ दे दे CH3 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ HCl ना दे करके HI दे दे, यहाँ भी वही काम करना है H प्लस I माइनस, ये डबल बॉन्ड के दो कार्बन दोनों अलग हैं, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन में एक भी नहीं है, तो अब मार्कोवनी कॉप रूल लगेगा तो H प्लस तो वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है इस जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा आयोडीन बीच में, तो CH3 बीच में आयोडीन और यहाँ हो जाएगा CH3, दिस वन इज द प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन इस मार्कोवनी कॉप रूल से होगा, बस ध्यान देना कि यदि वहाँ अल्कीन है साथ में कोई हैलोजन एसिड है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही रहेगा जाहिर सी बात है, तो मार्कोवनी कॉप रूल लगाओगे और H प्लस को डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जोड़ोगे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और फिर नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जहाँ कम हाइड्रोजन है। नेक्स्ट डी नंबर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CH3CH2Cl। इसको हम दो ए में बता देते हैं एक ही साथ, एक इसको करना रहा अल्कोहलिक KOH, एक इसको करना रहा एक्वस KOH। बड़ा कंसेप्ट है थोड़ा सा, 12 में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखो KOH सॉलिड मटेरियल होता है, इसको डिजॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है। यदि इसी KOH को आप अल्कोहल में घोलोगे इथेनॉल वगैरह में तो ये अल्कोहलिक KOH कहलाता है, लेकिन उसी KOH को जब वाटर में घोलोगे तो यह एक्वस KOH कहलाता है। जब वह वाटर में घुला हुआ हो मतलब एक्वस KOH, तो यहाँ यह न्यूक्लियोफाइल होता है और करवाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यदि अल्कोहलिक है तो यहाँ KOH जो है बेस का काम करता है और ये करवाएगा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी डीपली और डिटेल में बताया गया है, वहाँ से कंसेप्ट को थोड़ा रखना होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सिंपल सा, Cl हट करके यहाँ OH चला जाएगा, CH3CH2OH ऐसा बनेगा। लेकिन जब अल्कोहलिक है तो हम बोले एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में कैसे होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से H बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हैलोजन हटा दोगे और उसी के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को। अब हालांकि इसमें भी एलिमिनेशन में रूल हो जाता है सेटजेप रूल वगैरह, हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाता है, तो उतना अंदर से तो एग्जाम में नहीं आ सकता है, या आएगा भी तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर में है,
वो देखे होगे तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना सा बात, मतलब अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो या तो अल्कोहलिक के वोच के रूप में देगा या एक्वस। मॉडल सेट में तो अल्कोहलिक का दिया है, मतलब प्रोडक्ट इथीन बनेगा, लेकिन मे भी अल्कोहलिक ना दे करके एग्जाम में एक्वस दे दे। तो एक्वस में याद रखोगे कि सीएल हटा के खाली वोच कर देना है, लेकिन अल्कोहलिक है तो भाई यहाँ से एलिमिनेशन होकर के अल्किन बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। और एक लास्ट है इसमें ई नंबर, और ये नंबर में ये आसान सा है, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है तो एसीटाइलिन बनेगा C2H2 प्लस CaOH का होल टू। एसीटाइलिन मतलब इथाइन का फॉर्मेशन, इथाइन का प्रिपरेशन होता है कि जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एसीटाइलिन गैस बनाता है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन। तो ये पांच रिएक्शन जिसमें से पांचों ना भी पूछे तो दो तो भाई 100% आने का चांस है, एक या मार्कोवनिकोव से रिलेटेड रिएक्शन और दूसरा या अल्कोहलिक और एक्वस के वो इसका जो रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन बहुत चांस है कि अल्कोहलिक ही देगा क्योंकि एक्वस के जो इसका सब्स्टिट्यूशन होता है या जो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है ये क्लास 12th का पोर्शन है तो अल्कोहलिक का ही चांस बन रहा है, ध्यान रखोगे। तो ये था 15 में पाँच रिएक्शन जिनको कम्प्लीट करने थे। नेक्स्ट अब है रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग, 5 मार्क्स के लिए एक सिंगल क्वेश्चन, और अगला सेट में भी क्वेश्चन उससे दिया है, मतलब एग्जाम में पूछेगा। सिक्सटीन नंबर MnO4 माइनस एक्वस I माइनस एक्वस MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। और बैलेंस करना है इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, एक होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है। 5 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन है और कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, NCERT बुक एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाया गया है, कैसे बनेगा समझो। ऐसे केस में सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे इक्वेशन से पता करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, नॉर्मल कंपाउंड है तो -2 ही होगा। अब ऑक्सीजन का -2 होगा तो MN का कैलकुलेट करोगे आ जाएगा +7, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पड़े हम लोग। आयोडीन पे डायरेक्ट -1 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीजन का -2 तो MN का उस हिसाब से आएगा +4, और यहाँ यह आयोडीन मॉलिकुलर फॉर्म में है तो 0। तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है मैंगनीज और आयोडीन का। तो इसमें से या जो मैंगनीज है इसका तो भाई रिडक्शन हो रहा है, +7 से +4 जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है तो रिडक्शन हुआ। लेकिन वही आई माइनस का देखेंगे तो -1 से 0 हो रहा है, बढ़ जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब बैलेंसिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अलग अलग करके अलग अलग हाफ में करके जो है इसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ की बैलेंसिंग कर ले हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ मतलब केवल जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको लेना है, तो आई माइनस बदल रहा है I2 में, ठीक। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एटम को बैलेंस करो, इधर 2 आयोडीन है इधर 1 है तो यहाँ 2 लगा दो। अब यह 2 आयोडाइड है I2 में बदल रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज हट रहा है, तो नेगेटिव चार्ज हट रहा है तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वैसे भी यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ की बात कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन तो लूज होना ही है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है कि 2 आयोडीन है, तो या 2 आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लूज करके I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, ऐसे ये ऑक्सीडेशन हाफ। नेक्स्ट रिडक्शन हाफ,
रिडक्शन किसका हो रहा है, तो हो रहा है MnO4 माइनस का MnO2 में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना कर रहा है, +7 से +4 जाने का मतलब। और सबसे पहला बात कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसका नंबर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो है, बिल्कुल इक्वल है, इधर 1 Mn तो इधर भी 1 Mn है। तो बस अब निकाल लो कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना कर रहा है, तो +7 इधर +4 3 चेंज कर रहा है, तो 3 चेंज कर रहा मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके बैलेंस करना है इसको, तो रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा, जिधर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इधर +7 इधर +4, तो इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ देना है। आप पढ़े होगे तो उसमें एक्स वाई करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे घटाएंगे, वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से भी कि यहाँ +7 है यहाँ +4 है, तो 3 का चेंज कर रहा है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेन अब ऑक्सीजन वगैरह का बैलेंसिंग यहाँ से नहीं हो पा रहा है। MnO4 माइनस में देखो 4 ऑक्सीजन है जबकि MnO2 में 2 ही है, तो इस हिसाब से अब करना क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन का बैलेंसिंग होता है, और चूंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH माइनस लगता है, ठीक, किधर लगेगा, जिधर ऑक्सीजन कम है। तो देखो यहाँ है 4, यहाँ है 2, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट बैलेंस करोगे तो 2OH माइनस, तो अब यह 2 ऑक्सीजन और 2 4, इधर भी 4, लेकिन फिर इधर 2 हाइड्रोजन आ गया, इधर नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लगता है H2O। अब ऐसे कर दिए तो ठीक है हाइड्रोजन बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन फिर गड़बड़ हो गया कि 4 और 1 5 ऑक्सीजन, इधर 2 और 2 4, तो फिर इसको मिलाना होगा और ये सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सोचना पड़ेगा कि कितना OH आप मिलाओगे और H2O मिलाओगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कर दो, इसको कर दो 4OH माइनस और यहाँ कर दो 2H2O, और ज़रा अब करके देखो तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 × 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये हो गया MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से MnO2 प्लस 4OH माइनस। इसको आप 1 नंबर कर दो, इसको 2 कर दो, अच्छा। और अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को आप बैलेंस कर लिए, तो यहाँ से क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड इक्वल है या नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड इक्वल है या नहीं। तो देखो यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है 3, या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बराबर, इलेक्ट्रॉन जो है या बराबर होना चाहिए तब, तो बराबर कैसे करेंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है तो पूरे इक्वेशन को 3 से, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे को 2 से, मतलब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 में जोड़ देंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा। अब इक्वेशन 3 में पूरे से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6i माइनस, इधर हो जाएगा 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे को 2 से करो तो 2MnO4 माइनस से ये हो गया 4H2O, फिर यहाँ हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर जाओगे तो 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, बस अब इसको जोड़ दो। तो बस इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हम लोग इतना किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे कैंसिल, बचेंगे क्या, तो बच जाएंगे इधर 2MnO4 माइनस प्लस 6i माइनस प्लस 4H2O, उधर बचना है 2MnO2 प्लस 3i2 प्लस 8OH माइनस, एंड दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन, यही है, समझ गए बात को। तो 5 मार्क्स के लिए है, लंबा तो होगा, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब भी बैलेंस करना हो भाई तो यही तरीका है इसमें,
कि आप जो गिवेन इक्वेशन है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करो, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग निकालो, रिडक्शन हाफ को अलग निकालो, दोनों को अलग बैलेंस करो। और ख़ास करके एक बात यहाँ ध्यान रखना है, बेसिक मीडियम की एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो वो एच माइनस लगाएंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करना हो एच टू ओ लगाएंगे। लेकिन वही यदि एसिडिक मीडियम रहता तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एच टू ओ, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एच प्लस। और बैलेंस करने के बाद देखो कि इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है कि नहीं, मतलब जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होना चाहिए उतना ही रिडक्शन में है, तो डायरेक्ट जोड़ दो, नहीं है तो भाई मल्टीप्लाई करो अपोजिट से, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे ऐसे, और जोड़ करके जो आएगा वही होगा आंसर। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में होगा रेडॉक्स रिएक्शन से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, अलग भी हो सकता है, और होगा तो बस यही तरीका अपनाओगे। देखो 5 मार्क्स के लिए है तो पूरा ना भी बना पाओगे, जैसे तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक अलग करके छोड़ देते हो तो 5 में 2 नंबर्स तक तो मिल ही जाएंगे, इसको अलग अलग बैलेंस भी कर देते हो 3 साढ़े 3 मिल जाएंगे, पूरा कर देते हो तो 5 में 5 मार्क्स आ जाएंगे, नंबर कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ध्यान रखोगे अगर आएगा एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी बुक का ही कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप एनसीईआरटी बुक में जाओ, देखो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसको आप प्रैक्टिस करो। अभी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है मॉडल सेट 3 में जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का पूछा है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। एक बात तो ध्यान से सुन ही लो कि हाइब्रिडाइजेशन पता करने के कम तो 6 से 7 तरीके हैं जो बताया जा सकता है, लेकिन सारे मेथड्स एक जैसे नहीं हैं, कोई मेथड्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कोई काफ़ी डिटेल में है, और चूंकि यहाँ केवल हाइब्रिडाइजेशन और स्टेट की बात करा है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कहानी कहने से कोई मतलब है नहीं, बस हाइब्रिडाइजेशन और स्टेट को पता कर लेना, उसके लिए जो सबसे शॉर्टकट तरीका है वही अपनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं कि अस्टेरिक नंबर की मदद से निकलता है, अस्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, और इसका फॉर्मूला है V+m-c/2, जहाँ भी सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एम इज़ द मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही 5 में से कोई होंगे, और सी हो गया चार्ज पूरे स्पीसीज पर। बस इस फॉर्मूला को याद रखोगे, बड़ा आसान आसान सा दिया है, जैसे ए नंबर में BF3 का कैलकुलेट करना है, इसमें बोरोन इज़ द सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 5 तो 2 और 3 तो V=3, एम मोनोवैलेंट तो 3 फ्लोरीन है तो मोनोवैलेंट 3, सी कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो स्टेरिक नंबर बराबर फॉर्मूला पे पुट कर देंगे 3+3-0/2 तो आ जाएगा 3, तो 3 स्टेरिक नंबर मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन से बने होंगे, एस का 1 और पी का 2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 और 1 3। उसी प्रकार से है PCl5, सो यार फॉस्फोरस इज द सेंट्रल, एटॉमिक नंबर 15, 2, 8 और 5, V=5, M इज़ द मोनोवैलेंट 5, C इज़ द चार्ज तो नो चार्ज, सो स्टेरिक नंबर =5+5-0/2, सो 10/2 मतलब कि 5, तो 5 मतलब कि ये 5 ऑर्बिटल का नाम लिखना है बस, तो 5 ऑर्बिटल का नाम मतलब एक ऑर्बिटल S से शुरू करोगे, एक ही होता है, 3 ऑर्बिटल्स P में और एक ऑर्बिटल D के, तो sp3d, 3, 1, 4 और 1, 5। नेक्स्ट सी नंबर में SF6 का, तो यहाँ भी वही काम करोगे, सल्फर है ना 16 होता है, तो 2, 8 और 6 मतलब V=6, M=6, सी कोई चार्ज नहीं है, अगेन स्टेरिक नंबर बराबर 6+6-0/2 6, तो 6 ऑर्बिटल का नाम लिख दो बस, एक ऑर्बिटल S, 3 ऑर्बिटल P, तो 3 और 1 4, बाकी के 2 ऑर्बिटल D, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। नेक्स्ट SO4 double minus, इसमें भी वही हाल है, सल्फर इज द सेंट्रल, तो 2, 8 और 6, V=6,
एम इज़ द मोनोवेलेंट एटम, तो मोनोवेलेंट एटम का मतलब बताया कि इन्हीं एटम में से कोई एक होना चाहिए, कोई है क्या? नहीं है, तो मोनोवेलेंट जीरो। सी चार्ज है, दो माइनस है तो माइनस टू लिखोगे। अब स्टेरिक नंबर निकाल दो तो सिक्स प्लस जीरो माइनस माइनस टू बाई टू, तो यह आ जाएगा फोर, फोर मतलब एस पी थ्री। बड़ा आसान सा एकदम सिंपलेस्ट तरीका है फाइंड आउट करने का हाइब्रिडाइजेशन। और एक लास्ट में जो है ई नंबर में दिया हुआ है एन एच फोर प्लस का। तो यहाँ नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर सेवन, तो टू और फाइव, सो भी इक्वल टू फाइव। एम मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है चार, सी हो गया वन, तो स्टेरिक नंबर हो जाना है फाइव प्लस फोर माइनस वन बाई टू, तो आ जाएगा फोर, फोर मतलब एस पी थ्री। आसान। तो ऐसे करके किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का हाइब्रिडाइजेशन पता करने आए आसानी से कर लोगे इस तरीके से। और भाई आएगा पाँच नंबर के लिए क्वेश्चन आना ही है, कहीं नहीं जाना है, 100% एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इससे पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक तो 5 मार्क्स के लिए है, फिक्स है, याद रखोगे आप, चाहे स्ट्रक्चर बनाने बोले। अब इसी सेट में देख लो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया ना, 5 मार्क्स का ये पाँच नंबर में, 3 मार्क्स का भी NH3 और H2O का बनाए थे हम लोग पिछला लेक्चर में। तो सोच लो एक सिंगल टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आउट ऑफ टोटल 35 मार्क्स, तो कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है या हाइब्रिडाइजेशन। अंतिम के दो प्रश्न न्यूमेरिकल्स हैं, 18 नंबर थर्मोडाइनेमिक्स का, बड़ा आसान सा, N2O4 गैस, 3CO गैस, N2O गैस प्लस 3CO2 गैस, ऐसा एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है, इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड नहीं बोला है तो एक ही बात है। अब थर्मोडाइनेमिक्स में तो पढ़े होंगे कि ऐसे कोई केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लिखा हुआ है तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं कि प्रोडक्ट का जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ आप लिखोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और 3 मोल है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरे प्रोडक्ट वाले हो गए माइनस रिएक्टेंट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस 3 × इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, ऐसा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया रहेगा, बस कुछ करना नहीं है। प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यही कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बस जो यहाँ कोफिशियंट होगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए। बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है, देखो N2O के लिए जो वैल्यू दिया हुआ है वह है 81 प्लस 3 × CO2 के लिए दिया हुआ है माइनस 393, फिर यहाँ माइनस N2O4 के लिए दिया हुआ है 9.7 प्लस 3 × CO के लिए दिया हुआ है माइनस 110, ऐसे बस इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो थर्मोडाइनेमिक्स से एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखोगे। और अब एक अंतिम क्वेश्चन इस सेट से, क्वेश्चन नंबर 19, यहां भी जो है बोल रहा है कि अमोनिया का फॉर्मेशन होना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन से, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, ऐसा, ठीक।
सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में दिया हुआ है कि जो नाइट्रोजन गैस है वह 1.5 × 10²⁻² मोलर है, मतलब मोल पर लीटर। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 3.0 × 10²⁻² है, मतलब मोल पर लीटर। और फिर NH3 का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है या 1.2 × 10²⁻² मोल पर लीटर है। तो बताना है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसको कि के से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NH3, जो कॉफिशियंट रहेगा पावर में लिख देना, बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो N2 × H2, और H2 का कॉफिशियंट 3 है दी पावर में, बस हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, NH3 का दिया हुआ है 1.2 × 10²⁻² उसके बाद N2 के लिए दिया हुआ है 1.5 × 10²⁻² और इसके बाद H2 के लिए दिया हुआ है 3.0 × 10²⁻² और 3 है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। बस वैल्यूज़ को सॉल्व करना ज़रूरी है, 1.2 का ऐसे स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1.44 × 10²⁻⁴ एम स्क्वायर, नीचे तो उतना ही रह जाएगा 1.5 × 10²⁻² इंटू एक क्यूब है ना, तो आ जाएगा 27 × 10²⁶ एम क्यूब। एम स्क्वायर से एक एम यहाँ ख़त्म और एक यहाँ, तो एम टू बचेगा। ये पूरे को सॉल्व कर लोगे, ऊपर में एम टू बच जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट नहीं होगा, बोल कांस्टेंट है ऐसा नहीं, यूनिट हो सकता है इसका, वह डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। सॉल्व करके देखोगे या नोट्स में सॉल्व किया हुआ है, जो सॉल्यूशन भेजा गया है वैसे। तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ऐसा न्यूमेरिकल यदि आता है तो यही काम करोगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना, जिसमें होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का, और जो कॉफिशियंट होगा वो चला जाएगा पावर में। जैसे मान लो, हालांकि बताएंगे नेक्स्ट सेट में जो है ना, ऐसे कई इक्वेशंस हैं और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसको वहाँ देख लेंगे तो और अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो इस तरह से सेट 2 भी कम्प्लीट। अब हम लोग का एक अंतिम बच रहा है सेट 3, उसको नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे, तब तक इतना जो है अच्छे से कर लो। धन्यवाद।